नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ मैं यूट्यूब चैनल निशा कंप्यूटर में। तो ये एक कुरियर आया है, ठीक है, जो कि है उमरगांव गुजरात में आया, वलसाड़ देख सकते हो। तो अभी इसमें रिपेयरिंग के लिए क्या है तो नहीं पता, लेकिन देखेंगे, इसे खोलेंगे और रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कहाँ से खुलेगा भाई? बने रही वीडियो में, मैं इसे देख लेता हूँ क्या है इसमें और रिपेयर करेंगे इसे। ओके भाई, इतना थैली निकल चुका है, इसके बावजूद अभी भी पैकिंग कंप्लीट नहीं हुई है। ओके तो ये है डेस्कटॉप का बोर्ड है, DDR2। बड़ा तामझाम में भेजा है भाई। अभी ड्यूल कोर का बोर्ड है यार, जितने दूर जहाँ तक भेजा है और थोड़ा पैसा 1000 रुपये डाला होता तो नया बोर्ड ले लेता, अभी i3 का। क्या बोले, कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम के लिए आया है और इसको आगे काम करेंगे। चलिए फिर इसे चेक करें। स्टेप 1 से हमारे रैम साफ करना, प्रोसेसर साफ करना, चेंज करना, ठीक है। पहले तो इसे देख लेते हैं। ऑन ऑफ इसका यहाँ पे है, ठीक है, घूम तो रहा है, पास हो रहा है, डिस्प्ले 2 मिनट रुकना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करें, सॉरी। हाँ सर, तो अभी स्टार्ट करें, ठीक है। ये मुझे यहाँ से कहाँ पे, सॉरी, फिलहाल कोई डिस्प्ले नहीं है। ओके तो देख सकते हैं कोई डिस्प्ले नहीं है, ठीक है। मॉनिटर भी लगा है, अगर अभी डिस्प्ले नहीं आया तो बार बार निकाल के दिखाना चाहिए। चलिए अभी इसे मैं बंद कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। ओके यहाँ पे और डिस्कनेक्ट करेंगे सभी को। कस्टमर का कहना था कि उन्होंने रैम वगैरह सब देखा हुआ है, चेंज करके क्या रैम तो मुझे भी सही लग रहा है। एक ट्वीज़र लेंगे और मेरी जादू की एक छड़ी, ठीक है। इतने हम सामान को यहाँ रख देंगे और इसे पूरा डिस्कनेक्ट करेंगे फिलहाल के लिए, पूरा इसे खोल देंगे। ओके देख सकते हो काफ़ी मतलब अच्छा कंडीशन में दिख रहा है प्रोसेसर को छोड़ के। प्रोसेसर भी मतलब हीट हो रहा था, काम तो किया है उन लोगों ने, बताया था मुझे। और चलिए अभी एक बार क्या करेंगे कि IP लेंगे, ठीक है।
सबको पहले तो पिन को हल्के हाथों से साफ करेंगे। हाँ, ठीक है। यहाँ का हो गया, अब इसे बैठा दे। एक बार मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, लेकिन फिलहाल तो नहीं है। चलो, तो इसे मैं लगा दे रहा हूँ, ठीक है। और ज़रूरत पड़ी तो प्रोसेसर को भी चेंज करेंगे, और फिलहाल के लिए फ़ैन को हम हटा रहे हैं। इसके ऊपर हम लगाएंगे हमारा ये वाला फ़ैन, ये बराबर बैठता है, मतलब प्रोसेसर वगैरह हीट नहीं होने देता। अब दूसरा राउंड हम यहाँ पे घुमाएंगे। ओके, पहले तो ऐसे ही देख लेते हैं, कुछ दिख रहा है मुझे? यहाँ पे थोड़ा सा एक डस्ट दिख रहा है, सॉरी, यहाँ पे। ठीक है, हो गया भाई, बढ़िया से एकदम साफ कर लो। ठीक है, रैम वैम ले लो अच्छे से। तो ये हमारा है फर्स्ट स्टेप, इतना। फिर इसका अगर नहीं हुआ तो सेकेंड स्टेप का वीडियो अलग से बनाएंगे, ये पूरा पे कैंसिल कर देंगे, करना पड़ता है भाई। ओके, चलिए फिर फर्स्ट स्टेप चेक करें। मैं यहाँ पे डालता हूँ फिलहाल रैम को, DDR2 है भाई, कस्टमर लोग को ऐसे नहीं चूना बनाते हैं यार, मत बनाओ भाई, बड़ा मेहनत करते हैं आज के टाइम पे पब्लिक। ये नया बोर्ड तो मिलता भी नहीं हुआ यार, इतना उसे चार्ज ले लेंगे उतने में बोर्ड मिल जाएगा। ये जहाँ से आया है उस वहाँ से गारंटी बोल सकता हूँ मैं कि ये, अभी क्या बताऊँ यार। ठीक है, इतना चार्ज मार देंगे कि कस्टमर को उतने में नया बोर्ड आ जाएगा, गारंटी है। क्या बात है, डिस्प्ले आ गया भाई, हेलो, कुछ नहीं किया, हेलो। ठीक है, डिस्प्ले आ गया, मतलब सिर्फ रैम सेक्शन साफ़ करने से, कूलिंग फैन साफ, मतलब प्रोसेसर साफ़ करने से, मैं इसको ऐसे ही जादू की छड़ी नहीं बोलता, ये रहा, ये मेरी जादू की छड़ी है, जब चलती है ना चला देती है। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।